नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाना परवीन शान, जानते हैं क्या है खबर। विष्णु प्रभाकर स्मृति राष्ट्रीय सम्मान। प्लास्टिक के विरोध में कपड़ों की लाखों थैली बांटने वाली अनुभा पुंडीर को मिलेगा विष्णु प्रभाकर स्मृति राष्ट्रीय सम्मान। कमलेश साहित्य, जनक दबे पत्रकारिता, सीताराम शिक्षा और अर्पणा कला के लिए होंगे सम्मानित। हेमलता महेश्वर जी की यह रिपोर्ट। प्लास्टिक के विरोध में गांव-गांव और शहर-शहर में सघन अभियान चलाने वाली डॉक्टर अनुभा पुंडीर को समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विष्णु प्रभाकर स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई है। अनुभा जानी मानी नृत्यांगना भी हैं, लेकिन अपने गृह राज्य उत्तराखंड में प्लास्टिक के इस्तेमाल के विरोध में इन्होंने लाखों लोगों को अपनी संस्था की ओर से कपड़े के थैले मुहैया कराए। उनके प्रयास से असंख्य लोगों ने खुद को सदा के लिए प्लास्टिक से अलग थलग कर लिया। इसके अलावा दिल्ली के कमलेश कमल को साहित्य के लिए, अहमदाबाद गुजरात के जनक दबे को पत्रकारिता के लिए, गांधीनगर के सीताराम बरोट सत्यम को शिक्षा के लिए और दिल्ली की अर्पणा सारथे को कला के लिए विष्णु प्रभाकर स्मृति सम्मान दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली और विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान नोएडा द्वारा संचालित सनिधि संगोष्ठी की ओर से दिया जाएगा। पिछले 10 सालों से सनिधि संगोष्ठी द्वारा हरेक साल में दिसंबर में काका साहिब कालेलकर और जून में विष्णु प्रभाकर की याद में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 5-5 युवा हस्तियों को काका साहिब कालेलकर सम्मान और विष्णु प्रभाकर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान युवा हस्तियों में नैतिक ऊर्जा भरते हैं और युवाओं में उत्साह का संचार होता है। वे प्रोत्साहित होकर सृजन के नए आयाम रचते हैं। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के मंत्री अतुल कुमार के मुताबिक ये सम्मान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। इस साल विष्णु प्रभाकर सम्मान समारोह 17 जून को दिल्ली स्थित सनिधि सभागार में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता के संपादक और दर्जनों किताबों के लेखक मुकेश भारद्वाज सभी युवा हस्तियों को सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए देहरादून की डॉक्टर अनुभा पुंडीर को सम्मानित किया जाएगा। एडिस केबिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से MBA पर्यावरण विज्ञान में स्नातक, SMU बड़ोदरा से भारतीय नाट्य कला में स्नातक व आपदा प्रबंधक व योग तथा मनोविज्ञान में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त तथा IIM बेंगलुरु से जुड़ी प्रोफेसर डॉक्टर अनुभा पुंडीर वैसे तो जानी मानी नृत्यांगना है, लेकिन उनकी उत्तराखंड राज्य में प्लास्टिक विरोधी अभियान की प्रमुख और देश में पर्यावरण रक्षा हेतु समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सर्वत्र ख्याति है। वे आज भी इस अभियान में जोर शोर से लगी हैं तथा जन जागरण के द्वारा प्लास्टिक विरोध की आवाज बुलंद कर रही हैं। वे कई पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। साहित्य के क्षेत्र में कमलेश कमल को विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कमलेश कमल पिछले 15 सालों से साहित्य लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ITBP के डिप्टी कमांडेंट कमलेश कमल ने हिंदी के विकास के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में विमर्श का आयोजन किया। कमल पूरी तरह से हिंदी साहित्य के विकास के लिए समर्पित हैं और अनेक संस्थाओं के जरिए हिंदी के विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इनको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। कई किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। 2000 से अधिक रचनाओं का सृजन भी किया है। इसी तरह सीताराम बरोट सत्यम को शिक्षा के लिए सम्मानित किया जाएगा। लेखन और अन्य प्रदर्शन कला के जरिए बच्चों को शिक्षित करने के क्षेत्र में सीताराम की भूमिका बहुत अहम है। अर्पणा सरथे को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अहमदाबाद गुजरात के जनक दबे को पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र की लाइव कवरेज की। इस क्षेत्र में कार्य का इन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया है। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।